कोई बात नहीं, मैं अभी एक ईमेल जनरेट कर देता हूँ, सबको बता देता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारे पास अब कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अब से कंपनी की ओनर मैं हूँ। क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? अगर आप ओनर हैं तो फिर मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, बड़ी लंबी लिस्ट है शर्जी के गुना होगी, जो जो उसके दिए हुए लोगों को दुख है उनका खून भी तो उसी की गर्दन पर पड़ेगा ना। मुझे मैशर को एक आंसू का हिसाब देना इतना मुश्किल पड़ेगा, यहाँ तो समंदर है। क्या कर रही हो? अकेला शर्जी नहीं है अम्मी, उस जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने लड़कियों के साथ फ्रॉड किए हैं और उन्हें लूट के भाग गए हैं। फ्रॉडियों के ग्रुप बने हुए हैं काफी। मैंने एक पेज बनाया है फेसबुक पे, उन लड़कियों के मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, वीडियोस हैं, पता नहीं क्या कुछ अपनी कहानियां लिखी हैं उन्होंने, भरी हुई है। अपना दुख सहना मुश्किल काम है, तुम दूसरों का दुख सुनने का हौसला कहां से लेकर आती हो? मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी ही क्या आसान हो गई, इन लड़कियों में मुझे अपना आप नजर आता है। अंदर से टूटी हुई, बिखरी हुई, खोखली, मेरा बस नहीं चाहता मैं जिन जिन ने इनके साथ ज्यादती की है हेलो मामा, मैं जमल बोल रही हूँ। मैंने आपकी आवाज पहचान ली, ये किसका नंबर है? मेरा फ्रेंड है, वो अपना फोन छुपा कर लाया था और आपका नंबर मेरी कॉपी में लिखा हुआ था। आप ठीक हो मामा? आप स्कूल में मुझे लेने आ जाए ना। सुमन, मिस कर रही है मुझे, बुलाया उसने। अच्छा रुको, मैं उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ, उसे बहुत पसंद है। देर हो जाएगी अम्मी, उसका बाप आ जाएगा, मैं उसे मिल के आती हूँ। आगे चाय पियूंगी फिर। अरे रास्ते में तो उसके लिए कुछ ले जाना। हाँ कोशिश करती हूँ। और असल बात तो ये है बेटा कि रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, और याद रखना तुम्हारा मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं। मामा मुझे आपकी बहुत याद आती है, तभी तो मैं अपनी परी से मिलने आ गई। मामा आप कभी घर नहीं आएंगी? आऊंगी, आप अल्लाह मियां से दुआ करो ना। हे सो माय प्रिय परी, और जो स्ट्रांग बच्चे होते हैं वो रोते नहीं। हाँ बुरी बात, आप तो रो रही हैं। मामा खुश है अपनी परी को देख के, तो खुशी के आंसू है। ओ रोना धोना बंद करते हैं, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई, आपकी पसंद की चीज। आप भी खाएं। नहीं नहीं मेरी जान, खा ले। मामा
आप अक्सर घर जाओ, मैं अपनी परी से फिर से मिलने आऊंगी। आएंगी ना? तेरी तस्वीर इस दिल से मिटाता कैसे, मैं गुनाहगार था दुनिया को बताता कैसे, आग जिसने जला दिया मुझको उस तपिश को सीने से आज तो चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक है, मूड जबरदस्त लग रहा है सासू माँ का। बरसों का देखा ख्वाब अगर पूरा हो जाए तो ऐसे ही खुश होता है इंसान। हाँ ये तो है। वैसे आपके तो माशाल्लाह सभी ख्वाब पूरे हो गए एक एक करके, कुछ हम जैसे लोगों की तरफ भी ध्यान दो, छोटे छोटे ख्वाब हैं हमारे। अब्बा काफी बीमार हैं, कुछ पैसे चाहिए थे आपसे। फिक्र ना करो, अभी मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ, लगकर अपने अब्बा का इलाज कराओ। सासू माँ हो तो ऐसी, वरना हो ही ना, कसम से। तू वैसे हुई बातचीत शुरू? तू बाप क्या बताऊँ? देखो शिजी एक बात तो ध्यान से समझ लो, तू भा मेरी एक ही बेटी है, मेरी कुल कायनात, मेरी जिंदगी का सुकून, मेरी खुशी। तुम्हारी सब कोताहियां इसलिए माफ करती कि तुम उसके साथ रहोगे, उसका ख्याल रखोगे, मेरा राइट हैंड बनोगे। और अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो आई एम सो सॉरी। दरवाजा देख रहे हो ना तुम, आगे तुम खुद समझदार हो। क्या तुम हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? बाहर निकलो, फ्रेंड्स से मिलो, क्या है? क्यों बाहर जाऊं मैं? मेरा दिल नहीं करता बाहर जाऊं। क्यों दिल नहीं करता, क्या हुआ है? तो सब कुछ ठीक है, दिल को समझाओ बेटा। देखो मैं बिजनेस देख रही हूँ, तुम कम से कम स्टूडियो पे थोड़ी तवज्जो दे दो। मॉम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टूडियो प्लीज। अर्शद जी, शची कहाँ से आ गया? हस्बैंड है तुम्हारा, कहाँ से आ गया क्या मतलब? प्लीज आपके लिए मैं उसको बर्दाश्त कर रही हूँ ना इस घर में, बस यही काफी है। काइंडली डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम हैप्पी कपल की तरह आप जिंदगी भी गुजारें। काम का बंदा है, बहुत बहुत काम का बंदा है मॉम, और आप काम निकलवा रही है ना, तो बस अपना काम निकलवाएं आप। बेटा थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल हो जाओ, देखो रिश्ते निभाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं लाइफ में। मेरा उससे सिर्फ गर्ल्स का रिश्ता मॉम, मैं एक रिलेशनशिप में रह रही हूँ ना, बस इतना काफी है। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम मी। अच्छा देखो, अगर अगर मैं तुम्हारी उससे जान छुड़वा भी देती, मुझे ये बताओ कि जो शान का अब हाल होने वाला है उसके बाद कौन है जो तुम्हारा हाथ थामेगा? कहां से आएगा कोई? उससे क्या फर्क पड़ता है मॉम? एनीवे बताएं शान का क्या रिएक्शन था?
बम गिरा दिया है मैंने, वो तो जैसे पूरी तरह फना हो गया। बीबी खुश हो ना, दैट्स द गुड न्यूज। खुश रहा करो, खुश रहा करो, खुशियों के दिन आ गए। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। बताए ना कहाँ जा रहे हैं? बेटा, I'm not sure, कहीं ना कहीं जा रहे हैं बस। फिर से पुरानी वाली मम्मा के पास जा रहे हैं? नहीं बेटा, बस हम दादो का घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्यों, ये तो हमारे घर है ना? नहीं, अब ये सिर्फ दादो का घर है, हमारा नहीं। लेकिन आपके तो पूरे तक घर सबका होता है। I know बेटा, लेकिन मैं गलत था, बल्कि गलत साबित कर दिया गया है मुझे। पापा। अच्छा बेटा, आप अपनी बाकी पैकिंग तो करो ना, जरूरत की चीजें वो रख लो, बाकी हम नहीं ले लेंगे। ओके ओके, देख लो टॉयज वगैरह अगर कुछ रखने हैं वो भी रख लो। गॉड, क्या मतलब है आपका? अभी तो मीटिंग में सब कुछ ब्रीफ करके आई हूं मैं, फिर समझ क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं आप लोग ये कंपनी कैसे चला रहे थे अब तक। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आके बताती हूँ मैं आकर अभी। हाँ मैं करती हूँ फोन, अभी फोन करती हूँ भाई, अभी करती हूँ। कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है। लेकिन मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूं। सगे और सौतेले का फर्क मैंने तो कभी नहीं रखा। जाहिर है आपके दिल में हमेशा से ये बात थी। क्या चाहते हो, क्यों कर रहे हो ये बातें? अब कोई फायदा नहीं है। फायदा? यस फायदा, फायदा ही तो देखा आपने हमेशा। ऑनेस्टली मां, आपको इस तरह फ्रॉड करने की जरूरत नहीं थी। ऑनेस्टली आप मुझे एक बार कहती तो मैं ये सब कुछ वैसे ही आपके नाम पे कर देता। शायद आपको यकीन ना आए लेकिन मैं ऐसा ही करता। जब सब कुछ लुटा बैठे हो तो ये ऑफर कर रहे हो मुझे? ऐसा तो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं है ना? कितने भयानक रूप होते हैं ना औरत के। मुझे लगता था कि सिर्फ बीवी है जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां तो मां और बहन पे भी भरोसा नहीं रहा। जो बचा कुचा एतबार था वो भी खत्म कर दिया आपने। मैं अगर चाहता तो लिटिगेशन कर सकता था, आपको कोर्ट में लेके जा सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं।
भले आपने ना सही, लेकिन मैंने आपको हमेशा दिल से मां माना और मैं अपनी माँ और बहन को रुसवा नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं अपनी बेटी को लेकर। आप और आपकी बेटी को यह घर मुबारक हो। मेरी गैर हाजिरी में शायद लोग आपसे सवाल करें तो खुद पर इल्जाम मत लीजिएगा, सब मुझ पे डाल दीजिएगा। कहना कि मैं नाफरमान हो गया था, आपने मुझे आग करके निकाल दिया। पापा चले। हाँ बेटा चलो। आंटी जी मैंने कहां जाना है, उसी घटिया अस्पताल में ख्वार हो रहा हूं। जब से अब्बा यहां पे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और बस इनको और क्या आता है पैसे लेने के अलावा। बताएं टेस्ट पे टेस्ट, पैसों पे पैसे, पता नहीं कौन सा कमीशन है जो एजेंट रखा हुआ इन लोगों ने। अजीब लोग है कसम खुदा की, मैं तो तंग आ गया इन हालात से। बहरहाल मैं आपको करता हूँ आंटी फोन कुछ देर में। क्या हो गया पुत्र, क्यों ऑल फॉल बक रहा है? ऑल फॉल का बक रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ। तू बता, जब से अब्बा इस अस्पताल में है उसकी सेहत ठीक हुई है बल्कि और बिगड़ गई है, लेकिन पैसे ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं ये लोग। इनको यहाँ पे आता क्या ये डॉक्टर को? ये देख, इन डॉक्टर ये कसाई हैं, ये डॉक्टर नहीं है। इनको सिर्फ खाल उतारनी आती पेशेंट्स की और कुछ नहीं आता, और बस दवाई पे दवाई टेस्ट पे टेस्ट। और किया क्या इन्होंने यहाँ पे? अगर आपको इतना मसला है तो आप अपने पेशेंट को यहाँ से लेके जा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो यही करूंगा मैं मैडम, यहाँ से ले जाऊंगा, ले जा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने पेशेंट को लेके जा सकते हैं। पेशेंट को लेके जा सकते हैं, ऊपर से नखरा देखो इनका। नहीं नहीं, क्या हो गया तुझको, इतने पैसे कहाँ से लाएगा? बंदे को अपनी चादर वेख के पाँव फैलाने चाहिए। तू अम्मा मेरी चादर की फिक्र ना कर, पैसे बहुत है मेरे पास, जेब भर गई है। मेरा साला छोड़ के दफा हो गया कहीं पे। कहाँ चला गया वो बेचारा? अल्लाह जाने कहाँ चला गया बेचारा, किस चीज का? बेचारे तो हम हैं, तू फिक्र ना कर, असल सामान पैक कर चले यहाँ से। एक दो दिन तो रहने देना इधर। दो दिन नहीं, बस एक दिन का इंतजार कर सकता हूँ। चल ठीक है, देख अब्बा को आता हूँ मैं। अल्लाह क्या करूँ मैं इस लड़के का। मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो तुम, और टुकड़ों पे पलने वाले भौंका नहीं करते, सिर्फ तुम्हें लगे।
वालेकुम अस्सलाम। नाना। यो बेटा, कैसी? मामा। वो मैं क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ? कुछ दिन क्यों बेटा? तुम्हारा अपना घर है, तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक सकते हो। मैं तो हमेशा अपने रब से तुम जैसे बेटे की ख्वाहिश करता रहा। आओ ना बेटा, अंदर आओ, 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 आ जाओ, आओ, 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 आ जाओ, आओ। मैंने तो हमेशा उनको दिल से मां माना था, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक बिसात पे बिछा हुआ मोरा था, जिसको उन्होंने अपनी खुदगर्जी से मात दे दी। जो हुआ से भूल जाओ बेटा, कल तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता। बेटा तुम कोई केस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। बाकी मैंने तो हमेशा उनको अपने दिल से मां माना, उनको कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, जमाने के सामने रुसवा कर दूं, कभी नहीं। तुम्हारी सादत मंदी है बेटा, वरना आजकल के नफसा नफसी के दौर में कौन अपने हिस्से से दस्तबरदार होता है? ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। खैर बेटा, जो जो हो गया उसे माजी समझ के भूल जाओ, पर अपने आज में हमारे साथ जियो। इंशाल्लाह बेटा सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला। आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इनका आज के आज ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज़ पैसे जमा करवा दें हॉस्पिटल में, आज अगर इनका ऑपरेशन ना किया गया तो इनकी जान जा सकती है। ठीक है, मैं क्या करूँ? प्लीज कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कह भी क्या सकता, मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। बहुत बहुत फर्क, जिस तरह मैंने तुम्हें अपने घर से निकाला और जिस तरह तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने बगैर कुछ कहे, कोई ताना दिए बगैर जो ओपन आर्म्स के साथ अपने घर में वर्क किया, उसी शख्स को जिसने उनकी बेटी को अपने घर से निकाला। क्यों बार बार ये कहकर खुद को अज़ियत दे रहे हैं?
दिनों जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं, बदले में वो आपको आपको कुछ बुरा भला कह देना तो इंसान का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन जब वही शख्स कोई शिकवा किए बगैर को अपने घर में वेलकम करते इंसान का गिल्ट बढ़ जाता है। बस कुछ नहीं है कहने पर गलत तो आपके साथ भी हुआ है ना। मेरे माजी के बारे में ना बता के मैंने मेरी फैमिली ने आपकी फैमिली ने भी तो गलत किया ना आपके साथ। Please, please. You don't have to say anything. Just Ram, जिस तरह तुमने मुझे कहा कि मैं कुछ ना कहूं तुम्हें तुम्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं मैं कोई पुरानी बात नहीं करूंगा तुमसे। प्लीज तुम्हें भी कोई बुरानी बात करने की जरूरत नहीं मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। I trust you. Let's try and make a new start. एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तमेर से बिल्कुल हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करो। सुनो, क्या मीटिंग चल रही है? सर मीटिंग लंबी चलेगी। मैम की बैक टू बैक दो मीटिंग है आज। सर आपको कोई काम? हाँ, काम था। सर आपका रूम उस साइड। जानता हूँ, तुम बताओ कि रूम कहाँ है? मामा इतना में वेट कर। मेरे साथ ही हेरा फेरी शुरू कर दी तुमने? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो तो आप मीटिंग में बिजी थी और अप्पा मर रहे थे, मुझे हॉस्पिटल में पैसे देने थे, मजबूरी थी। क्या मजबूर था? मजबूरी में ये कुछ करोगे? मत भूलो कि मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो तुम। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दामाद हूं मैं आपका, आपकी बेटी का शौहर। दामाद माय फुट। एक सड़क छाप चोरी चकारी करने वाले से ज्यादा हैसियत नहीं तुम्हारी। तुम जैसे तो मैं अपने घर में मुलाजिम ना रखूं, क्या समझते हो तुम अपने आप को? किस्मत से तुम्हारा स्टेटस बदल गया लेकिन अंदर से तुम वही हो, भिखारी, पैसे मांगने वाले, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त अपनी मजबूरियां गिनवाने वाले। और तुम्हारा बाप तो सरकारी अस्पताल के लायक नहीं था, उसे कहा तुमने इतने बड़े अस्पताल में दाखिल करा दिया, वो भी मेरे पैसे पे। पानी की तरह बहारे हो मेरा पैसा। देखिए मेरे बाप के बारे में कुछ मत कहिएगा। मेरे सामने यूं आंखें निकाल के डायलॉगबाजी मत करना। मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो तुम और टुकड़ों पे पलने वाले भौंका नहीं करते, सिर्फ तुम हिलाते। तो मैं तुम हिलाने को तैयार हूं, बस कुछ पैसे दे दीजिए। कुछ एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें।
मेरा बाप मर जाएगा। अरे मरता है तो मर जाए, मेरे साथ फ्रॉड करोगे, मेरे साथ एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, और अपने बाप का इलाज करवाने की बजाय उसके कफन दफन का इंतजाम करो। जाओ यहां से। आ गई है उसकी औकात सामने आपके। देखो तुम, शान के साथ तो करता था, मेरे साइन करके मुझे भी लूट लिया। किस कदर बेशरम है, ऊपर से चौड़ा होके आंखें दिखा रहा है, मुझे बता रहा है। तुम जैसे तो मैं अपने घर में मुलाजिम ना रखूं, क्या समझते हो तुम अपने आप को? किस्मत से तुम्हारा स्टेटस बदल गया, लेकिन अंदर से तुम वही हो बेकारी, पैसे मांगने वाले, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त अपनी मजबूरियां गिनवाने वाले। और तुम्हारा बाप तो सरकारी अस्पताल के लायक नहीं था, उसे कहा तुमने इतने बड़े अस्पताल में दाखिल करा दिया, वो भी मेरे पैसे पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे आप? मैंने कितनी कॉल्स की आपको, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आपको पता भी है मैं कितनी परेशान थी। शान, क्या मैं आपको बता रही हूँ मैं परेशान थी और आप हंस रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा परेशान होना अच्छा लग रहा है मुझे। I mean, ये इस तरह कमर पे हाथ रख के जो घूर रही हो, बिल्कुल टिपिकल बीवियों वाली फील आ रही है। अब आप मुझे बताएंगे कहाँ थे आप? बैठे बेटा, क्यों? बस यार, खुद को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से। फिर मेरी कामयाबी? जब हिम्मत और हौसला हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। और फिर मेरा हमसफर मेरे साथ है तो किसी भी चीज की परेशानी नहीं। इस सफर में तो क्या, जिंदगी के हर सफर में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। अच्छा, वो मैंने अपना लॉकर चेक किया है, थोड़ा सा गोल्ड और एक तो प्लॉट की फाइल्स पड़ी हुई, सोच रहा हूँ उनको बेच के कोई नया कारोबार शुरू करता हूँ, कोई छोटा बिजनेस। मुझे तो लगता है कि हमें गारमेंट रिलेटेड कोई, जैसे आप कह रहे हो कोई सेटअप लगा ले, कोई फैक्ट्री, कोई जगह ले लेते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट भी है मेरा। ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मैं जो वो शर्जी के विक्टिम से मिली हूँ, ये जितनी भी लड़कियां हैं जो उसके से रसी हुई हैं, बेसहारा है बेचारी, बहुत बुरे हालात हैं उन सबके। मैं पहले कुछ सोच रही थी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, कोई ऐसा काम मैं उनके काम आ सकूँ, तो क्यों ना हम उन सबको अपने साथ मिला के हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा, उनका भी रोजगार लग जाएगा। गुड आइडिया। बहुत बड़ी जगह ना, थोड़ा सा लाऊं कुछ खाने के लिए? चाय पिलाऊं? लेकर आते हैं, जरा देख लेना इसको। हाँ जी, दिखाइए अपना होमवर्क। हाँ
क्या आया नहीं अभी तक? I don't know. Least bothered about him. वैसे सब आपने उसके साथ कुछ ज्यादा ही नहीं कर दी मॉम. उसको भी तो देखो, बाप का जनाजा उठा के ले आया. So, mom, दमाद है आपका. जी जी बिल्कुल दमाद है मेरा, मैंने कब इनकार किया. लेकिन हम पे डिपेंड करता है, हमारे लिए करता क्या है. अच्छा चलो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता तो मजीद बोझ तो ना डाले. उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए, इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिया हुआ है हमने उसे. अब क्या हिस्सेदार बनेगा? मतलब बात है, अब्बा जान का जनाजा ले आया. टू मच. आज तक आपने तो उसको दिल से अपनाया नहीं है, तो फिर मुझे क्यों फोर्स करती रहती है कि उसे अपना लो, उसके साथ अच्छी रहो. जमाने को दिखाने के लिए एक शौहर चाहिए होता है. मैंने ये नहीं कहा कि उसे सर का ताज बना लो, सिर्फ कहा है बस हस्बैंड, शौहर. क्या देख रही हो, मुझे भी दिखाओ. आए नाइस शेड लिपस्टिक मुझे भी मंगा के तो जल्दी से. बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे वालिद का, अभी तो शायद स्वयं भी नहीं हुआ. खैरियत से आए हो तुम? जाने वाले तो चले गए. क्या स्वयं और क्या 40वां. हाँ बहुत तकलीफ में थे वो, उनके लिए ही बेहतर था. सच तो ये है कि आपकी वजह से उनकी मौत भी आसान हुई. अगर आप पैसे ना देती वक्त पर तो शायद उनका जो थोड़ा बहुत इलाज कराया वो भी नहीं करा सकता और मजीद तड़पते रहते. और परेशानी में इंसान सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाता, इसीलिए शायद मुझसे कुछ गलती होगी. मैं आपसे माफी चाहता हूँ. हाँ आइंदा ऐसी गलती करने के बारे में तुम सोचना भी मत. खैर वो तो तुम कर भी नहीं सकते क्योंकि मैंने मुझे सब बैंक्स में इंस्ट्रक्शंस दे दी कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कोई कैश, कोई डिपॉजिट, कुछ भी नहीं होगा. अब ऐसा होगा भी नहीं, आपने मुझे इतने एहसान किए, कौन भूल सकता है. यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा. बिल्कुल. लीजिए अंकल. अरे ये गुलाब जामुन भी, वाह वाह, ये तो मेरे फेवरेट है. तुम्हें कैसे पता चला? जबरदस्त. शुक्रिया. लो ना, खुशी का मौका है. मिल गए. मैंने सुला दिया था केक. वैसे तो बेटा खुशी मनाने का कोई टाइम नहीं है, किसी वक्त भी आप मना सकते हैं. लेकिन इन गुलाब जामुनों के पीछे जरूर कोई राज है, वो नहीं बता रहे तुम? वो असल में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है उस खुशी में. माशाल्लाह. अच्छा 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 अच्छा. चलो बेटा, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता. आप छोटा सा पौधा लगाते हैं, जब आप मेहनत करके उसको पानी वानी देते हैं ना, वो तनावर दरख्त बन जाता है. अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे बेटा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा. मेरी दुआएं और इसकी मेहनत जरूर रंग लाएंगे. सच पूछे तो मेरा हिम्मत और हौसला तो ये है, वरना मैं तो टूट के बिखर गया था. लेकिन इसने समेट लिया मुझे. अरे बेटा जीवन साथी जो है वो होता ही सही. अच्छा जीवन साथी हो तो कितनी भी मुश्किलात हो, कैसे भी हालात हो, वो एक दूसरे का जब साथ देते हैं तो कठिन रास्ता भी आसानी से तय होता है. मौत पड़ गई थी जो इतनी जल्दी बुला लिया. क्या बताऊं यार, अजीब अजाब में फंस गया हूं. माल उसी का होता है जिसकी जेब में हो. मतलब? मतलब सासू मां सारे माल पे नागिन मर के बैठी हुई है. एनजीओ में नौकर रख ले उन्हें. अजीब ही औरत है यार. तेरी बुड्ढी
बुढ़ी स्वाद है मिट्टी यार, उसका रवैया ही और है, मलका बन के फिरती रहती है बस। तू ही क्या सी, मैं घर बसाना है घर बसाना। हाँ तो सही सोचा था ना यार कि घर बस जाएगा, कोई बीवी आगे पीछे फिरेगी, काम करेगी, मेरे खातिर तो आजू करेगी, खिदमत करेगी। वो तो अजीब रवैया हो गया उसका यार, मुझे अपना आप कोई अजीब भिखारी लगने लग पड़ा है यार। शजी तू पकड़ा भी तो गया था ना। वो तो वो कौन सी दूध की धुली है यार, जो मैं कर रहा हूं अभी तो वही कर रही है, लूटने लगी नहीं सबको, अपने बेटे को लूटने के चक्कर में वो औरत, तो मैंने क्या बुरा कर लिया है। फिर आगे क्या सोचा तुमने?